नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे ग्रह रत्न के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, यानी जेम स्टोन एंड इट्स ट्रू वैल्यू इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग, यानी मानव जीवन के कल्याण के लिए क्या ग्रह रत्न की भूमिका सटीक है, आवश्यक है। इस विषय पे जानने के लिए आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया है और इसीलिए यह प्रोग्राम मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। आइए बिना किसी विलंब के इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। इससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक अगले प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो सही सही ढंग से पहुंच जाए। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि ग्रह रत्न क्यों व्यवहार किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। तो सूर्य के लिए माणिक रत्न का प्रयोग किया जाता है, यानी माणिक रत्न को धारण किया जाता है। वहीं चंद्रमा के लिए मोती अर्थात पर्ल, मंगल के लिए यानी भौम के लिए मूंगा अर्थात कोरल, बुध के लिए पन्ना अर्थात एमरल्ड, वहीं बृहस्पति अर्थात देवगुरु के लिए पुखराज अर्थात येलो सफायर, वहीं शुक्र के लिए हीरा अर्थात डायमंड, शनि महाराज यानी ग्रह महाराज के लिए ब्लू सफायर यानी नीलम, और राहु के लिए गोमेद अर्थात हेसोलाइट, वहीं केतु के लिए लहसुनिया अर्थात कैट्साई। परंतु अगला प्रश्न आपका यह होगा कि क्या इसको धारण करने से मनुष्य के जीवन में जो सभी संकट या बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वास्तविकता इस बात से है कि छतरी क्या काम करता है। बारिश में छतरी लेकर हम लोग इसलिए नहीं जाते कि छतरी लेने से बारिश की गति कम हो जाती है, यह बिल्कुल इलॉजिकल है ना। तो समझने की बात है यहाँ पर। या फिर हम लोग सनग्लास का प्रयोग करते हैं तो क्या उसमें सूर्य की गति यानी तेज में प्रकाश में कमी आती है? नहीं, क्योंकि यह भी इलॉजिकल है। तो क्या होता है, आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है ना, यानी आंखों पर स्ट्रेस कम पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, ग्रह रत्न भी वही काम करते हैं। क्या आपके जीवन में जिस ग्रह से जुड़कर समस्याएं आ रही हैं, अगर सही सही जन्म कुंडली को एनालिसिस किया जाए और उसके बाद यानी उसके उपरांत ही किसी को ग्रह रत्न सजेस्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द करेक्ट एस्ट्रोलॉजर यानी सही ज्योतिषी द्वारा, तो फिर वो ग्रह से जुड़कर जो समस्याएं आ रही हैं वो लगभग 40-45% तक ही दूर हो पाती हैं। क्योंकि ग्रह रत्न की भी अपनी एक वैल्यू होती है, उनका अपना एक स्ट्रेंथ होता है। उस स्ट्रेंथ को जियोलॉजिकल सर्वे में मेजरमेंट के तौर पर मापा जाता है, जिसे इंडेक्स ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखकर मेंशन किया जाता है। अर्थात आप समझ चुके होंगे यहां तक बात को। अब तीसरी बात यह आती है कि ग्रह रत्न कितने रत्न का धारण किया जाए। बिल्कुल, ये मेजरमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि साइंटिफिकली जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर दवाई हम लोग लेते हैं, किसी भी औषधि का प्रयोग करते हैं, तो 0.25 से लेकर 1 mg, 500 mg की दवाइयां हम लोग अवेल करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में ग्रह रत्न की भी जो क्राइटेरिया सेट होती है वो ये है कि 3 रत्न से अधिक किनको ग्रह रत्न धारण करना चाहिए, किसको 5 रत्न का ग्रह रत्न धारण करना चाहिए, किसके लिए 8 रत्न का ग्रह रत्न धारण करना उचित होगा, ये सभी बातें एक अच्छा ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। यानी आपको करना ये है कि एक अच्छे ज्योतिषी का चयन करना है, और वो आप स्वयं जानते हैं कि अच्छे ज्योतिषी को कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। जो ज्योतिषी आपका पास्ट यानी भूतकाल का आकलन सही सही करे, किसी स्पेसिफिक घटना को ऐसा बताए आपको जो सिर्फ आप ही जानते हो, तो वैसे ज्योतिषी पर आप रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वो है ऐसे व्यक्ति जो मध्यवर्गीय परिवार से है या गरीब फैमिली से है, तो वो तो नेचुरल सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ग्रह रत्न के मूल्य को। क्योंकि एक मोती भी अगर खरीदे आप जो कि ऑथेंटिक हो, मैं सिंथेटिक ग्रह रत्न की बात नहीं कर रहा, जो ऑथेंटिक ज्योलॉजिकल सर्वे से प्रूफ हो,
तो अच्छा मोती भी आपको अगर 5 रत्ती से 6 रत्ती का भी धारण करना पड़े तो उसकी कीमत लगभग 25 से 30 हजार के करीब आ जाएगी। तो नेचुरली वो ग्रह रत्न तो कोई, बाकी ग्रह रत्न की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो जाएगा मध्यवर्गीय परिवार से भी, तो गरीब फैमिली की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। लेकिन समझने की बात यह है, तो क्या ये जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं या गरीब फैमिली से जो आते हैं, क्या उनके जीवन में कभी भी संकट या बाधाएं दूर नहीं होंगी, क्योंकि वो तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो फिर क्या होगा उनका? तो एक्चुअल बात यह है कि ग्रह रत्न के सिवाय और भी कई उपाय हैं जो ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में हजारों हजारों वर्ष पूर्व लिख दिए हैं। अपने स्वर्ण अक्षरों में इनको आप देख सकते हैं, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, इसमें इसकी व्याख्या की गई है। अतः इससे घबराने की बात नहीं आती है उनके लिए। और जो उपाय हैं, कलर थेरेपी या फिर जैसे कारकत्व का यूज करना, जैसे सूर्य कारक होता है पिता का, चंद्रमा माता का, मंगल यानी भौम भातृ कारक ग्रह है, वहीं बुध बच्चे का कारक ग्रह है, बृहस्पति संतान प्रज्ञा का कारक ग्रह है, वहीं शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है यानी जाया का कारक ग्रह है, प्रेम का कारक ग्रह है, शनि भृत्य का कारक ग्रह है मतलब नौकर जाति का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं राहु राहु एवं केतु को नाना एवं नानी से रिलेट किया जाता है। तो टैक्टफुली इस प्रोसीड्योर को फॉलो करने से भी, इसको एक अच्छा ज्योतिषी जानता है कि वो किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर वो आपको इस तरह से अगर चाहें तो समस्या से बाहर ले आ सकते हैं। बस समझना ये है कि आपको इस ग्रह रत्न की व्यवहारिकता को किस तरह से पालन करना है, और ये भी एक अच्छा ज्योतिषी बता देगा। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि क्या भाग्य बदल जाता है ग्रह रत्न धारण करने से? तो इसका आंसर है नहीं, डेस्टिनी नहीं बदलती किसी की भी, क्योंकि व्हाट इज लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड, जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो उस भगवान ने एक बार हमारे लिए लिख दिया है, वो कभी नहीं मिट सकता। विधाता का लिखा हुआ कोई भी ज्योतिषी नहीं मिटा सकता, अगर वो ऐसा कहते हैं तो इससे बड़ी झूठ और कुछ नहीं हो सकती समाज में। और आप लोग सभी जान रहे हैं कि ये कलयुग है, तो आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ हद तक आप लोग की समस्याएं या फिर जो जिज्ञासा है वो समाप्त हो चुकी होंगी, या फिर और भी आप लोग इस तरह के प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें ताकि हम उन रिक्वेस्ट के आधार पर अगला कंटेंट आपके सामने लेकर के आए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। नमस्कार।